बच्चों, शेयरिंग ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैट्स का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसमें कि शेल्स को कनेक्ट करके उनमें कितने का चार्ज फ्लो हुआ ये पूछा जाता है, या उनका कॉमन पोटेंशियल क्या है ये पूछा जाता है, कितने किसको कितना चार्ज दिया ये पूछा जाता है। तो बेटा, आज इस लेक्चर में, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीरीज में, हम लोग सीखेंगे शेयरिंग ऑफ चार्जेस का कंसेप्ट। सपोज हमारे पास दो शेल्स हैं, दो शेल्स जिसका चार्ज है 12 कूलम 4 मीटर रेडियस और दूसरे का है 8 कूलम और 2 मीटर रेडियस। हमारे पास दो शेल्स हैं ए और बी। हम इन्हें एक स्विच से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर हम इन्हें टच करके फिर दूर कर सकते हैं। हमें बेटा निकालना क्या है कि इन पे कितने के चार्जेस होंगे, और वो अगर मिल गया तो फिर हम ये भी निकाल सकते हैं कि इनका कॉमन पोटेंशियल कितने का होगा। तो दो शेल्स हैं ए और बी, चार्जेस हैं 12 और 8, रेडियस है 4 और 2। हमने क्या किया, इस स्विच को बंद कर दिया। स्विच को बंद करने का मतलब ये हुआ कि अब चार्ज इन दोनों शेल्स के बीच में फ्लो कर सकता है। अक्सर बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि जिसके पास ज़्यादा चार्ज होगा, जैसे इस फिगर में जिसके पास ज़्यादा चार्ज होगा वो चार्ज को दूसरे को देगा। बेटा ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कंसेप्ट क्या निकल के आता है, कैसे निकालोगे आप इन क्वेश्चंस को, कैसे करोगे इन क्वेश्चंस को? जब आपने स्विच को बंद कर दिया तो चार्जेस का फ्लो इनके बीच में होगा, लेकिन अब कहाँ से कहाँ होगा ये नहीं पता। आप ये मान लो कि फाइनली इस पर चार्ज है Q का और इस पे चार्ज है Q डैश का, यानी A का चार्ज हमने मान लिया Q और B का माना हमने Q डैश। तो एक बात तो तय है कि चार्ज इनके बीच में मूव करेगा, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के मुताबिक जो चार्ज टोटल था वो अभी भी रहना चाहिए, यानी Q प्लस Q डैश को 12 प्लस 8 दैट इज 20 कूलम्ब होना चाहिए। तो एक इक्वेशन तो अपने पास ये है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोग Q और Q डैश को निकालें, क्योंकि वो निकल गया तो हमें इनके पोटेंशियल भी मिल जाएंगे। अगर इनको हमने स्विच से बंद कर दिया तो चार्ज का फ्लो इनके बीच में तब तक होता रहेगा जब तक कि ये एक कॉमन पोटेंशियल को अचीव ना कर ले। बेटा वो कॉमन पोटेंशियल, लेट अस कॉल इट V, वो कॉमन पोटेंशियल अगर इस शेल की बात करें तो के क्यू बाय 4, के क्यू बाय आर होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला। और अगर वही पोटेंशियल हम बात करें इस दूसरे शेल के लिए तो के क्यू डैश बाय 2 होना चाहिए ना। बट इस V कॉमन पोटेंशियल और इस शेल का चार्ज Q, इसका Q डैश। आप ये मत सोचना कि उस पर तो 12 था, लेकिन वो और 8 आपस में मिल करके अब वो चार्ज Q है और उस पर बचा हुआ Q डैश है। तो ये कॉमन पोटेंशियल लिख लिया हम लोगों ने, K दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग काट दें। तो क्या यहाँ से हमने Q और Q डैश का एक रिलेशन निकाल लिया? यस बेटा, इसको अगर हम लोग यहाँ से काट दें तो Q इक्वल टू 2 टाइम्स Q डैश आ गया। इसका मतलब जो शेल A है उसका चार्ज शेल B के चार्ज का डबल है। अब अगर आप इस वैल्यू को पुट कर दो इस पहली इक्वेशन में, तो Q की जगह आप 2 Q डैश बिठा दो तो 3 Q डैश इक्वल टू 20, दैट इज Q डैश इक्वल टू 20/3 एंड दैट इज Q इक्वल टू, उसका डबल हो जाएगा 40/3। आप देख सकते हो बेटा, आप इसमें देख सकते हो कि जिस पे चार्ज ज़्यादा था वो और ज़्यादा हो गया, ठीक है, और जिस पर पहले कम था वो और कम हो गया। तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि किसी का चार्ज ज़्यादा होगा तो ही वो दूसरे को देगा, बट ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ फिर किससे रिलेट हो रही है, कैसे ये तय हो रहा है कि कौन किसको चार्ज देगा? पोटेंशियल से। जिसका पोटेंशियल हाई है वो लो पोटेंशियल वाले को चार्ज देगा। तो आपको कंसेप्ट ये बैठाना है कि जब इनको जोड़ दिया जाएगा तो ये कॉमन पोटेंशियल अचीव करेंगे, वही भी है। और जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के मुताबिक जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में भी रहना चाहिए। तो आप इनको बेटा टोटल करके ये देख भी सकते हो कि ये टोटल पहले वाला 20 आ रहा है ना, यस आ रहा है। अब इसी में अगर कॉमन पोटेंशियल मांग ले एग्जामिनर, तो आप किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। मान लो आप इस इक्वेशन में डालते हो क्यू की वैल्यू, आपने डाला 40/3, उसका जो रेडियस है वो है 4, तो इसको काट दें तो ये हो गया 10K/3, ये इसका पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट। हाँ, इसी में एक पर्टिकुलर केस बनता है जिसमें कि दोनों के रेडियस एक जैसे होते। अब बेटा इस बात पर ध्यान दो, मान लो इन दोनों के रेडियस एक जैसे होते, मान लो ये 2 ना होके 4 होता, तो यहाँ 4 आता, उस कंडीशन में चार्ज दोनों के इक्वल हो जाते, यानी क्यू इक्वल टू क्यू डैश हो जाता। तो उसमें आप ये कंसेप्ट चला सकते हो कि अगर दोनों के रेडियस एक जैसे हो गए
तो फिर आपको इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब आप टोटल चार्जेस को टोटल कर लो, यानी कंबाइन कर लो और उसको 2 से डिवाइड कर दो। वो काम लेकिन आप तब कर सकते हो जब उनके रेडियस एक जैसे हो। अगर वो अलग अलग हैं तब आप नहीं कर सकते, तब आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा। अगर ये रेडियस सेम हो गए तो चार्जेस इक्वल हो जाएंगे और तब आप कह सकते हो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्यू और क्यू डैश 20/2 यानी 10 कूलम होता। लेकिन कब होता? जब दोनों के रेडियस एक जैसे होते। तो बेटा अगर रेडियस एग्जामिनर सेम दे दे तब तो कुछ करना ही नहीं है, चार्जेस को जोड़ो और दो से डिवाइड कर दो। लेकिन कब कैसे जोड़ोगे उसको? विद साइन जोड़ोगे। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो प्लस, अगर एक का प्लस है दूसरे का माइनस है तो उसको विद साइन लेके जोड़ोगे। और अगर वो एक जैसे नहीं है तो आप इस कंसेप्ट को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो बेटा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज में ये एक प्लेलिस्ट है जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया भी हुआ है, आप उसको सर्च कर लो। उसमें बहुत सारे कंसेप्ट इसी तरह से लोड हो रहे हैं, कई पहले से लोड हो चुके हैं, तो उससे आप हेल्प ले सकते हो। और बेटा अपने फिजिक्स की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिजिक्स मूनशॉट का ऐप डाउनलोड कर लो बेटा। उसमें आप अपने डाउट फ्रीली पूछ सकते हो। उसमें पूरे फिजिक्स का टेस्ट है। आप चाहे जेई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नीट की तैयारी कर रहे हैं, यानी अगर आप 11th 12th में भी हैं और आपका एम आगे जेई या नीट है तो आपको प्रिपरेशन अभी से ही करनी है। आप जितना अपने आप को अपने कंप्यूटर से आगे रख सकते हैं उतना बेहतर है ना। तो उसमें आप फिजिक्स मूनशॉट ऐप में आप अपना डाउट पूछ सकते हो, फ्री में टेस्ट दे सकते हो। और जब पूरे कोर्सेस मौजूद हैं उसमें, चैप्टर वाइज कई कोर्सेज लोड ऑलरेडी हो चुके हैं, कई उसमें लोड हो रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसका टॉपिक ये है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मान लो किसी बच्चे का किसी कारण वीक हो गया, छूट गया है अपने कोचिंग में, या उसका किसी कारण वीक हो गया, तो वो फिजिक्स मूनशॉट ऐप पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोर्स जो कि 300-400 बहुत नॉमिनल प्राइसेस में होता है उसको परचेज कर सकता है। इसी तरह सर्कुलर मोशन, SHM वगैरह कोर्स को परचेज कर सकता है और अपने उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। और वो टॉपिक उसमें बिल्कुल बेसिक लेवल से हायर एडवांस लेवल तक है। लेक्चर्स वाइज उसमें जो असाइनमेंट है कि कौन कौन से क्वेश्चन अब आप कर सकते हो वो वेल डिफाइंड है। तो बेटा आप उससे भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो बेटा अब आपको इसमें और कौन से टॉपिक चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। ये आपके लिए कितना हेल्पफुल है ये आप लिख के बताओ ये सीरीज, ठीक है। कीप स्टडिंग, गॉड ब्लेस यू।